तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की और देवीलाल स्टेडियम में मेयर, पुलिस कमिश्नर और साथ ही जिला उपायुक्त के साथ अन्य लोगों के साथ योग किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि योग मन और साथ ही आत्मा का मिलन है। रोहतक के स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहां पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में योग किया। इस दौरान स्थानीय विधायक दीपक मंगला, जिला प्रशासन और साथ ही पलवल के स्थानीय लोगों ने भी योगासन में हिस्सा लिया। कैथल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और सैकड़ों नागरिकों के साथ कमलेश डांडा ने योग किया और इस दौरान विधायक लीलाराम, डीसी संगीता तेतरवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और योग कर लोगों को जागरूक किया। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने हमारी प्राचीन विद्या, जो हमारी ऋषि मुनियों की विद्या थी हजारों हजारों साल से, उसका प्रचार प्रसार विश्व के अंदर किया। और आज हरियाणा के अंदर भी प्रत्येक जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ है।